नमस्कार। हाँ अरे वो नमस्ते हाँ सर। नंद किशोर जी, वो आपसे तो फिर वो बात ही नहीं हो पाई ना, वो स्कैन नहीं हुआ ना, पेंडिंग रह गया ना। नहीं नहीं स्कैन नहीं किया। एक्चुअली पता क्या है, शेड्यूल बहुत जबरदस्त टाइट चल रहा है। इसलिए मैंने फोन ही नहीं किया। दूसरी अरे आज एक्चुअली जाना मुझे कहीं था 2 घंटे के लिए, हम्म। मेरे को ऑफिस में बहुत जरूरी। तो ऐसे सज्जन का फोन आ गया जो बोले कि मैं यार आपको घर से लेने आ रहा हूँ, आपको तो मैंने शनिवार बुलाया आप नहीं आए, सोमवार बुलाया आप नहीं आए, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। जब हाँ उनसे थोड़ा रिलेशन। बजरंग बली का हुक्म होगा जब ही जाना होगा। हाँ जी अच्छा बजरंग बली का हुक्म होगा जब जाना होगा। तो बस वो फिर जब उन्होंने ऐसा बोला तो थोड़ा सा ना, उनकी मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ काफी, मतलब जाने माने लोग हैं हमारी सोसाइटी में ना, अच्छे, मतलब किसी, मतलब बंदे ही अच्छे हैं वो। जाना ही पड़ता है। हाँ तो फिर वो गया तो 5-6 घंटे उन्होंने जाने नहीं दिया, उन्होंने अपनी सारी साइट्स दिखाई, सब कुछ किया। तो नहीं मैंने कहा चलो फिर कमाई लेते हैं कुछ पैसे, फिर मैंने कहा लगी गए क्यों सज्जो साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। धंधे सर भी आराम से रिलैक्स होके बैठ जाता है आराम से, देखो दिन भर की थकान निकाल लेते हम तो। अरे कहाँ होता साहब, हंसना नहीं होता। दिन भर दुखी लोग ही आते अपने पास। ना हाँ, दुख, लोगों का दुख सुन सुन के अपने को लगता अपन बहुत सुखी है। हाँ मैं तो अपना हाँ एक्चुअली हमें दुखी आते हैं। आज जा गया तो उनकी मैनेजर है, हाँ मैं गया था ना, उनकी एक लेडी है मैनेजर, मैं उसको करीब 12-15 साल से जानता हूँ, सभी के साथ में मिलना जुलना काफी रहा है। तो बोली सर कभी चाय पे आओ, मैंने कहा 25 साल पहले बुला रहा था और आप क्या करोगे तो वो भी ये बोले कि बहुत दिनों बाद हंस दिया तुम बात। चलो अच्छा है। डॉक्टर साहब। राम राम डॉक्टर साहब, आप बढ़िया हो, कभी यूएस में रहते हो, कभी इंडिया में रहते हो, कभी एनआरआई हो जाते हो, कभी इंडियन हो जाते हो। डॉक्टर साहब आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप बढ़िया हो, कभी एनआरआई हो जाते हो, कभी इंडियन बन जाते हो चलिए शुरू कर लेते हैं आज तो। ये आवाज कहां से आ रही है? ये किसको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं? संजय जी आप और शाह साहब जी का वो खुला हुआ माइक, आप ही लोगों को इंस्ट्रक्शन मिल रहे होंगे पीछे से म्यूट कर लिया चलिए नमस्कार दोस्तों, राम राम सभी को। तो स्कैन सबसे पहले ना हम बातचीत नहीं करेंगे, आज स्कैनिंग शुरू करेंगे। तो जी जो लोग स्क्रीन पे हैं उनमें से अगर कोई चाहता है कि अपने बारे में कुछ जानना, जो पूछ चुके हैं वो नहीं, जो नहीं पूछ चुके आज उनके बारे में स्कैन करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों में से कोई चाहते हैं कि आपको स्कैनिंग हो? जी गोपाल जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर, पहले से अनम्यूट थे। मैं प्रणाम प्रणाम गुरु जी। राम जी, राम राम जी, एक सेकंड सर, मैं पहले सबको म्यूट कर रहा हूँ फिर मैं अनम्यूट कर देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा। गोपाल जी मैंने अनम्यूट किया आपको।
जी सर, गुरु जी, मेरा इसका स्कैनिंग करिए थोड़ा। स्कैन करें। आप क्या करते क्या है सर? अरे अभी तो फ्री है, कुछ नहीं कर रहे हैं। बाप रे, ये तो सबसे बड़ा काम है सर, फ्री रहना। कहाँ रहते हैं आप? मैं राजस्थान में है। राजस्थान में कुछ तो करते होंगे आप। नहीं सर, एक्चुअली मेरे पैरों में क्या है, एक्सीडेंट हो गए थे, 3 4 दफा एक्सीडेंट हो गए हैं। तो अरे बाप रे, अभी लास्ट टाइम एक्सीडेंट हुआ, उससे क्या है, पैर में वो नस ब्लॉक हो गई है, तो अच्छा उसके कारण क्या है, वो बेड रेस्ट ही चल रहा है बस। डॉक्टर बोलते हैं ज्यादा खड़ा नहीं रहना है, पैदल नहीं चलना है, वर्किंग में नहीं करना है। अच्छा तो चलो करता हूँ सर, स्टार्ट कर लेता हूँ, आपको भी स्कैन करना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है और मैं ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। एक ऐसी डिवाइस जिसे अगर साइंटिफिक डिवाइस बोली जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो आंखों से नहीं दिखता वो चीजें वो चेक कर लेती है। तो अगर हम किसी भी साइंस से अटैच हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, चाहे वो न्यूमोलॉजी है, वास्तु है, किसी भी तरीके की साइंस हो, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखे होते हैं, सिर्फ वही काम करते हैं। हेलो, जी, अभी 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 मैं ना, अभी मैं वेबिनार चल रहा है मेरा, मैं 1 घंटे बाद आपको कॉल करूं, है ना? 1 सवा घंटे तक कॉल करूं, आपको फ्री होंगे? ओके बेटा ओके ओके। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम सीखते हैं और अप्लाई करते हैं अपने लिए भी और लाइफ में अपने क्लाइंट्स के लिए भी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं दोस्तों जो आंखों से दिखती नहीं है, और जो दिखती नहीं है वो जब दिखेगी नहीं तो समझ में भी नहीं आएगी, और जब समझ में नहीं आएगी तो उसका उपाय कैसे होगा? तो वो जो चीजें हैं वो लाइफ में वैसी ही रह जाती हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में कैसे हम किसी को ठीक कर पाएंगे? तो इसके लिए बहुत सारी, इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस करी है हर फील्ड के अंदर। देखा आपने, रॉकेट जो है वो चांद तक पहुंच गया। उसके बाद जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो लेजर टेक्निक पे भी आ गई, रोबोट टेक्निक पे भी आ गई, है ना? और आने वाला टाइम अब देखो और क्या क्या टेक्निक अब में आएगा। तो उसी तरीके से ऑकल्ट साइंस की अगर हम बात करें, तो हम बात अगर करते हैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमोलॉजी, वास्तु, चक्रास, रेकी, टैरो कार्ड, या अपना थर्ड आई एक्टिवेशन, या जितने भी साइंस है, जितनी भी साइंस, तो इसके अंदर भी जो है एक नई चीज का जो है, अगर हम कहें कि इंट्रोडक्शन हुआ है, वो है ऑरा स्कैनर, जो हमारे ऑरा को रीड कर सकता है। ये था तो बहुत समय पहले से, लेकिन नॉलेज में नहीं है लोगों के, ये नॉलेज में लोगों के नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि लोगों को यही नहीं पता कि ऑरा क्या होता है। मैंने अक्सर देखा कि पढ़े लिखे लोग जो बहुत एजुकेटेड है और हायर पोस्ट में है, तो कई बार उनसे डिस्कशन होता था, उनका ये कहना होता है कि हाँ ऑरा कुछ होता तो है, ये तो पता ऑरा होता है कुछ, लेकिन क्या होता है ये नहीं पता, ये एग्जैक्टली नहीं पता लोगों को। और अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप पहले खुद से भी चेक कर सकते हैं कि मतलब अगर मान लीजिए कि कोई बंदा अगर आपको 40 साल का मिलता है या 50 साल का मिलता है, अगर आप उससे पूछते हो ऑरा क्या होता है, तो उसको ऑरा के बारे में डिटेल नहीं पता होगी। और अगर 5 लोगों को पूछोगे तो 5 में से 4 हो सकता है कि लोग आपको जवाब ही ना दे पाए कि हाँ कुछ होता है, सुना है, ये होता क्या है। रिवर्स में उल्टा पूछ लेंगे आपसे कि क्या होता है जी, आप ही बता दीजिए। तो ये जो ऑरा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यही हमारी लाइफ का जो है ट्रैक है, यही हमारी लाइफ को डिजाइन कर रहा है। अगर हमारी बॉडी के साथ जो ऑरा है, अगर ये ऑरा ना होता, जैसे अगर हम खड़े होते हैं, हमारी एक परछाई आती है जिसे हम शेडो बोलते हैं, है ना? डॉक्टर जब कभी कोई हॉस्पिटलाइज होता है और उसको ब्लड चढ़ना होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी ब्लड चढ़ा दिया किसी को, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो हमेशा क्या होता है कि उसको ब्लड ग्रुप मैच करके चढ़ाया जाता है। जितने किडनी पेशेंट वाले हैं, तो अगर उनकी किडनी भी रिप्लेस की जाती है तो वो भी मैच करके की जाती है कि किडनी को भी। तो ऐसा क्यों? डीएनए है तो डीएनए भी चेक होता है, सबका डीएनए अलग है, तो ऐसा क्यों? तो ये ईश्वर ने बनाया, ईश्वर ने ऐसा कुछ बनाया हमारे को। तो कुछ
उसी तरीके से हर इंसान को एक ऑरा दिया है, और ये ऑरा जो है ये हमारा इनबिल्ट होता है। जैसे अभी मैं आपको फोटो दिखा देता हूं कि ये जो ऑरा है हमारी बॉडी के 7 चक्रास और जो हमारी बाहर शेप बनी हुई है जो ऑरा की, ये वो है। और अगर ये कहीं ब्लॉक हो जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है या ओवर एक्टिव हो जाता है, मतलब कोई दिक्कत आ गई इसके अंदर, तो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है हमारे साथ। सारा खेल ही इसका है। अगर अगर आप कंसल्टेंट हैं तो आपने देखा होगा लोग जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, वो प्रॉब्लम्स होती क्या है कि सर मेरे को ना टेंशन बहुत है, स्ट्रेस लेवल बहुत है ना, या डिप्रेशन है, या रिलेशनशिप इश्यूज है, फैमिली में रिलेशनशिप इश्यू है, या फिर क्या होगा मुझे हेल्थ इशू है, या फिर होगा फाइनेंशियल इशू है। आप बताओ, लोग पैसे की बात करते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा तो मुझे फाइनेंशियल इशू है, या हेल्थ इशू है, या अपना स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन, यही प्रॉब्लम तो डिस्कस करते हैं। सारी चीजें घूम के यहाँ से आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें अगर ऐसे मान लेते हैं कि एक स्टेप उठा के कि मुझे फाइनेंशियल इशू है, तो मेरा फाइनेंशियल इशू कौन सॉल्व करेगा? मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कहता हूँ कि मेरा फाइनेंशियल इशू है जी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं कर्जे में हूँ, या मेरा बिजनेस नहीं चल रहा और मैं मतलब स्टक अप हो गया हूँ लाइफ में, तो क्या वो एस्ट्रोलॉजर उस पर्सन का काम करने जाएगा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आपका बिजनेस चला के आऊंगा आज? या सेकंड उसके पास में जो क्लाइंट आता है एस्ट्रोलॉजर के पास में, वो डॉक्टर है, कहता भाई साहब मैं तो बहुत, मेरे रिलेशनशिप इश्यूज है और बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ में, तो मैं अपनी कुंडली दिखाने आया हूँ, बहुत ज्यादा टेंशन में भी रहता हूँ। कहे तेरे रिलेशनशिप इश्यूज है, चल तेरे घर के फैमिली मेंबर से मैं डिस्कस करूंगा, मैं रोज आके बात करूंगा, क्या ऐसा पॉसिबल है? इंजीनियर आया कि जी मेरा, मैं काम की तरफ से मेरा बड़ा अजीब सिचुएशन है, चल तेरा काम मैं करने जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। बेसिकली कोई भी साइंस जब काम करती है तो वो उस पर्सन की एनर्जी को ठीक करने में लगी होती है। जैसे एस्ट्रोलॉजर जो है वो नौ ग्रह को चेक करता है और नौ ग्रह को ठीक करने की कोशिश करता है। उसके ऊपर अगर कोई दोष होते हैं, पितृ दोष, कुंडली दोष, मांगलिक दोष, कालसर्प दोष, चक्रा दोष या और कोई दोष, तो वो उसको कुंडली चार्ट से चेक करके फिर वो देखता है कि अच्छा इसको ये प्रॉब्लम है, तो इसका पूजा से या किसी और विधि से, उपाय से इसका समाधान ऐसे निकलेगा। तो ये तो हो गया एक चीज। अगर यही बात वास्तु कंसल्टेंट के पास जाके कही जाए तो वास्तु कंसल्टेंट कहता है कि जी आपके घर की विजिट करनी पड़ेगी और आपके घर के 5 एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे कि 5 एलिमेंट्स बैलेंस है या नहीं है। तो वो 5 एलिमेंट्स कौन से हैं? जल, जो कि नॉर्थ दिशा के लिए होता है, उसके बाद वायु, फिर अग्नि, फिर पृथ्वी और फिर आकाश, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो वो 5 एलिमेंट्स बैलेंस करने की बात करता है कि आपने अग्नि की जगह जल रखा हुआ है, जल की जगह आपने कुछ और रखा हुआ, तो ये जब वो देखते हैं कि ये वास्तु दोष है तो इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जब ये बैलेंस होता है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके ऊपर आता है? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है उस पर्सन के ऊपर, उस घर पे रहने वाले लोगों के ऊपर। तो यानी कि वो उस घर में रहने वाले लोगों की एनर्जी को ठीक करने में लगा। तरीका कौन सा है? घर का वास्तु दोष ठीक करके जो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे वो उन घर के रहने वाले लोगों के ऊपर आएंगे। तो यानी कि वो भी उस पर्सन की ही बॉडी के ऊपर काम कर रहा है, उसकी एनर्जी पे काम कर रहा है। जैसे एस्ट्रोलॉजर ने उसके ग्रह ठीक करने के लिए कोई स्टोन सजेस्ट कर दिया या पूजा सजेस्ट कर दी, तो वो उस पर्सन की एनर्जी को ठीक करने के लिए की गई है। तो उसी तरीके से वास्तु कंसल्टेंट ने यही काम किया। अब रेकी पर्सन क्या करता है? आप में से कुछ लोग होंगे जो ये काम करते होंगे। रेकी पर्सन क्या करता है? वो पॉजिटिव एनर्जी से आपकी बॉडी को हील करता है और आपकी बॉडी से नेगेटिव एनर्जी को निकाल देता है, चाहे वो आपके चक्रास को हील करे चाहे आपकी एनर्जी को हील करे, तो वो भी आपकी एनर्जी पे ही काम कर रहा है। और अब कोई और ले लेते हैं हम, न्यूमरोलॉजिस्ट ले लेते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट क्या कहता है कि आपका नाम जो है वो आपको फ्रिक्वेंसी ठीक नहीं दे रहा। न्यूमरोलॉजी को बोलते हैं अंक शास्त्र, यानी कि अंक जो है, अंक बोलते हैं ना, तो वो अंक जो है वो आपको सही फ्रिक्वेंसी नहीं दे रहे हैं। क्यों? या फिर ऐसे बोलते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसके अंदर कुछ नंबर मिसिंग है। तो जो नंबर मिसिंग है
और कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं लोगों को, तो अगर ये नंबर मिसिंग है तो इसके बेनिफिट आपको नहीं मिल रहे, तो उसके लिए क्या करें, आप अपने नाम की स्पेलिंग में ये जोड़ लो, कुछ ऐड कर देते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर लो, अकाउंट नंबर चेंज कर लो, सिग्नेचर बदल लो। इससे क्यों? क्योंकि वहां से जो ऊर्जा एनर्जी पॉजिटिव होके आएगी वो आपको आके लगेगी, और जब वो पॉजिटिव एनर्जी आपको आके लगेगी तो बेनिफिट किसका होगा? उस पर्सन का होगा। तो जितनी भी साइंस है वो सभी साइंस सामने वाले पर्सन की बॉडी की एनर्जी पे काम कर रही है। इस बात को आपने क्लियर समझा कि एस्ट्रोलॉजर भी ये काम कर रहा है, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट, रेकी पर्सन, टैरो कार्ड, कोई भी साइंस ले लो यही काम कर रही है। मोटिवेशनल कोच क्या करता है? वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहता है कि आप इसको स्ट्रांग करो तो आपकी एनर्जी ठीक हो जाएगी। तो हर आदमी आपकी एनर्जी पे बात कर रहा है, यानी कि आप ही की बॉडी, आप ही के ऑरा की बात कर रहा है, आप ही की एनर्जी की, आपकी ऊर्जा की बात कर रहा है। और ये ऊर्जा है क्या? ये ऊर्जा मैं आपको एक फोटोग्राफ से शेयर कर देता हूं। ये ऊर्जा, ये ऊर्जा, ये हमारी बॉडी के बाहर का ऑरा है। हमारी बॉडी के ऊपर 7 कलर की लेयर होती है, हम शीशे में देखेंगे या हम एक दूसरे को भी देख रहे हैं तो वो नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक कैमरा है, क्रिलियन कैमरा, अगर उसकी मदद से अगर हम देखते हैं तो ये वाली पिक्चर आती है हमारे सामने। तो ये हमारी बॉडी का ऑरा होता है, और ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये कंप्लीट पिक्चर है। ये हमारी बॉडी के अंदर के 7 चक्र हैं। ये जो चक्रास हैं ये क्या है, रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे रूट चक्रा है, नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्रा है। तो रूट चक्रा क्या है, जिन लोगों को लोअर बैक से लेके पैरों तक के इशू हैं वो रूट चक्रा डिस्टर्ब होने की वजह से, जिन लोगों को नाभि से नीचे का मतलब सैक्रल चक्र है, जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं या स्किन प्रॉब्लम, ब्लड से रिलेटेड इशू, यूरिनल इशू, कंसीव प्रॉब्लम, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम, ये सब जो चीजें हैं ये सैक्रल चक्र से आती हैं। जो तो तीसरा चक्र है सोलर प्लेक्सस चक्र, पेट से रिलेटेड इशू, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम, फूड पाई, फूड एलर्जी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सब चीजें। हार्ट चक्र है, इसमें फ्रंट हार्ट, हो सकता है ब्लॉक हो किसी का, अगर ब्लॉक होगा तो उसका हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो, या क्या बोलते हैं फैटी लीवर हो, या फिर की ब्लॉकेज हो, तो उसमें बैक हार्ट भी हम चेक करते हैं। फिर हमारा आता है थ्रोट चक्र, थ्रोट चक्र जिन लोगों को ENT, थायराइड जैसा इशू है उनके लिए। उसके बाद थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन और इमेजिनेशन का चक्र, फिर उसके बाद क्राउन चक्र। और बाहर जो कलर देख रहे हैं, ये पर्सन जो खड़ा है इसके बिल्कुल परफेक्ट शेप में कलर बने हुए हैं, तो यानी कि ये परफेक्ट पर्सन है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत चीज होती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज ये भी देख लीजिएगा, हर पर्सन का अपना एक ऑरा होता है, एक ऑरा फील्ड होती है जिसे एनर्जी फील्ड बोलते हैं, हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं। उस जगह मान लीजिए आपका आभा मंडल 10 फिट का है, तो आपके घर में कोई और पर्सन भी तो होगा जिसका कुछ आभा मंडल होगा। तो जब भी आप आपस में एक दूसरे के करीब आते हैं, चाहे वो 2 फुट की दूरी पे, 1 फुट, 3 फुट, 4 फुट की दूरी पे भी आते हैं, तो आप एक दूसरे के आभा मंडल के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एनर्जी फील्ड में आ जाते हैं। तो जब एनर्जी फील्ड में आते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होने लगती है, और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो इसमें लिखा है पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल, ये यूनिवर्स का नियम है। तो इसका भी एक ये पिक्चर्स में हमेशा दिखाता हूँ कि पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल जस्ट लाइक प्लांट। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि एक पर्सन के पास में ऑरा बहुत अच्छा है, एक का जो रेड कलर का जो शर्ट में है उसका नेगेटिव ऑरा है। अब जब वो दोनों डिस्कस कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऑरा एक्सचेंज हो रहा है, नेगेटिव वाले का ऑरा धीरे धीरे ट्रांसफर होके पॉजिटिव पे चला गया और पॉजिटिव वाले का नेगेटिव पे चला गया। इसके पीछे बहुत सारी डिटेल है जो मैं अपने कोर्स में बताता हूँ, लेकिन ये यूनिवर्स का नियम है कि एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इस तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होती है, और ये करती क्या है, हमारी जब बॉडी में जितने भी लोग हैं, जो मैं बोल रहा था कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, जितनी भी बातें मैंने बोली है ना, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, वो आते क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी के ऑरा के साथ में कुछ छेड़छाड़ हो जाती है, हमारी बॉडी के ऑरा के साथ में कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो कैसे होती है, जैसे हमारे ऑरा के अंदर
आईआर का इम्पैक्ट आ गया, यूवी का इम्पैक्ट आ गया, कोई बंधन दोष आ गया, कोई ब्लैक मैजिक आ गया, या पितृ दोष, कुंडली दोष, वास्तु दोष आ गया, चक्रा दोष आ गया, मांगलिक दोष आ गया, काल सर्प दोष आ गया, या कॉस्मिक एनर्जी की प्रॉब्लम है, ग्लोबल एनर्जी की प्रॉब्लम है, जियोपैथिक स्ट्रेस है, हमारे ग्रह खराब है, हमारे चक्रास में कोई दिक्कत है ना, या हम जो कलर थेरेपी यानी कि कलर हम गलत ले रहे हैं, अगर इसमें न्यूमरोलॉजी का पार्ट भी जोड़ लोगे तो वो भी आ गया। तो जब ये सब चीजें जो खराब होती हैं उससे हमारा ऑरा डैमेज होने लग जाता है, और वो ऑरा जो डैमेज होता है वो एक अजीबोगरीब किस्म की शेप में आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं हर बार आपको एक चीज बताता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू, कि एक पानी का पाइप, मान लीजिए एक 20 मीटर लंबा पानी का पाइप आपने लिया और उसको नलके पे लगा दिया, और उसका दूसरा हिस्सा जो है आप अपने गार्डन के अंदर पानी दे रहे हैं, लेकिन वो पाइप जो है 10-12 जगह से फोल्ड है, तो जब वो फोल्ड होगा तो पानी का फ्लो आएगा नहीं, और पानी का फ्लो चाहिए तो आपको फोल्ड ओपन करने पड़ेंगे, तो अगर आपने 10-12 फोल्ड में से 5-6 फोल्ड खोल दिए तो आधा पानी तो आना शुरू हो गया लेकिन पूरा फिर भी नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही आप सारे के सारे फोल्ड ओपन कर देते हो पाइप के, तो क्या होता है, पानी का फ्लो जैसे नलके के अंदर जो प्रेशर होता है वही प्रेशर से पानी है बाहर भी आ रहा है, तो जब बाहर आता है और उस पाइप को अगर आप प्रेस कर देते हो आगे से, तो आप देखते होगे कि एक क्या बोलते हैं उसको, बोछार को क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे स्प्रे की तरह आप उस पानी को 10-12 फुट 15 फुट दूर तक भी स्प्रे कर सकते हो। कभी पानी का प्रेशर को आगे से पाइप को प्रेस करोगे तो 10-12 15 फुट तक आपने पानी को स्प्रे कर सकते हो आगे। अब इस बात से ये चीज समझो कि हमारी बॉडी के अंदर हमारा ऑरा जो है वो ब्लॉक है, जो मैंने अभी आपको पीले रंग की पिक्चर दिखाई थी, तो हो सकता है बहुत कुछ चीजों से हमारा ऑरा ब्लॉक है और हमने वो ब्लॉकेज खोलनी है, हमारा रूट कॉज हमारे ऑरा के अंदर है, तो हमें वो ब्लॉकेज खोलनी है, और वो जैसे जैसे ब्लॉकेज हमें पता लग गई, इसमें एक रिपोर्ट बनती है कुछ इस तरीके की, ये रिपोर्ट बनती है, ये रिपोर्ट बताती है, ये कंप्लीट रिपोर्ट होती है इधर भी और इधर भी। जब भी किसी पर्सन को स्कैन करते हैं हम, तो भी जितने भी कुछ लोग हैं जो ये कोर्स कर चुके हैं वो लोग अभी हैं स्क्रीन पे आए हुए हैं, तो आप लोग भी इस चीज को समझना जो मैं बता रहा हूँ, कि पहले बता भी चुका हूँ कि ये जो सैंपल की रिपोर्ट बनती है, जब भी किसी पर्सन को हम स्कैन करते हैं तो उनकी एक रिपोर्ट बनती है, पूरी की पूरी एनालाइज चार्ट बनता है, उस चार्ट के अंदर उनका एस्ट्रोलॉजी यानी कि उनके जो ग्रह है उनको चेक करके रिपोर्ट बनती है, उनके जो चक्रास हैं जिनसे प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में लाइफ में, क्या ब्लॉकेज होने से जो जो दिक्कत आती है वो भी इसमें आ जाता है, रिकॉर्ड में आ जाता है, उनका ऑरा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर ऑरा नेगेटिव है तो वो भी सारी रिपोर्ट इसमें बन जाती है, क्योंकि जिन लोगों का ऑरा नेगेटिव होता है उनको स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना, रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, सारी नेगेटिव चीजें, तो वो होता है। फिर आईआर का इफेक्ट है, यूवी का इफेक्ट है, कोई पितृ दोष तो नहीं है, कोई कुंडली दोष तो नहीं है, कोई चक्रा दोष तो नहीं है, या फिर जियोपैथिक का असर तो नहीं है, या उनके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, और बहुत सारी चीजें, तो ये सब चीजें एक रिपोर्ट में बनती है, फिर हम उस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं कि कोई पर्सन जो है वो, उसकी रिपोर्ट बनी तो उसकी रिपोर्ट में 5 या 4 जगह पे ये मेजर प्रॉब्लम है, तो जैसे ही उस मेजर इश्यूज को हम खत्म करते हैं तो क्या होता है, एकदम से ऊर्जा का फ्लो चलता है, उन 7 चक्रास में ऊर्जा का फ्लो शुरू हो जाता है, और जो चक्रास आपके ब्लॉक है जिसकी वजह से ऑरा आपका डिस्टर्ब हो गया वो बैलेंस में आना शुरू कर देता है, तो यानी कि चीजें आपकी फेवर में आनी शुरू हो जाती हैं, आपके होता क्या है, बॉडी के 7 चक्रास का जब फ्लो प्रॉपर होता है तो ब्रेन को पावर जाती है, तो ब्रेन को जब पावर जाएगी तो क्या होगा कि जब कोई पर्सन ये प्रॉब्लम लेके अगर किसी के पास जाएगा, जी मेरे को फाइनेंशियल इशू है, भाई क्या करते हो आप, मैं भाई साहब बिजनेस है मेरा, मेरी शूज की फैक्ट्री है, पिछले 20 साल से बहुत बढ़िया काम था, 2 साल से खत्म हो गया, कर्जों में आ गया, अब मैं शूज बनाता थोड़ी ना, मुझे तो नॉलेज ही नहीं है, ना मुझे लेदर की नॉलेज, ना मुझे स्टिचिंग की नॉलेज, तो मुझे क्या करना है, मुझे उस पर्सन की जो ब्लॉकेज है उसको ठीक करना है, जब ब्लॉकेज खुलेगी उसके ब्रेन को पावर जाएगी तो वो सेंसिबल तरीके से सोच पाएगा, अपने पुराने वाले फॉर्मेट में आ जाएगा, वो जैसे ही आएगा तो उसको समझ में आएगा कि अपना रास्ता मुझे खुद निकालना है, मेरे को समझ में आ रहा है कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलो,
किसी का कर्जा कोई उतारता है? कभी नहीं उतारता। किसी की प्रॉब्लम में कोई हेल्प करता है? नहीं कर सकता। हस्बैंड अगर कर्जे में है, वाइफ नहीं समझ पाएगी कि वो बिजनेस में कहाँ कहाँ और किस किस से बातें कर रहा है, रोज क्या करता है। वो सॉल्व उसी को करना है, तो उसी पर्सन के ऑरा को ठीक करना है हमें। तो वो कैसे पता लगता है? वो इस रिपोर्ट से पता लगता है। तो जब हम उसको पूरा ठीक कर देते हैं तो उसके ब्रेन को पावर आती है, और जब ब्रेन को पावर आती है तो क्या होता है, काम कर पाते हैं। अब इसको छोटे से और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपके घर में लाइट आती है, सबके घर में एसी भी लगा हुआ है, पंखे लाइट सब चलते हैं, लेकिन मान लीजिए वोल्टेज कम हो गई पीछे से, बिल्कुल ही कम हो गई। आपका पंखा यूं धीरे 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 हिल रहा है ऐसे, अब वो तेज नहीं चल रहा, बिल्कुल धीरे धीरे हिल रहा है ना, और ट्यूबलाइट स्टार्ट ही नहीं हो रही, बल्ब जल रहा है तो वो ऐसे जल रहा है जैसे कैंडल लाइट की तरह जल रहा है ना। तो क्या होगा, एनर्जी का फ्लो ही नहीं आ पा रहा क्योंकि वोल्टेज कम है। जब वोल्टेज कम है तो पीछे से ही नहीं बंद है ना, तो अब पीछे से अगर वोल्टेज ठीक हो जाती है तो घर में एकदम से लाइट आ जाती है, एसी भी चलता है, लाइट भी चलता है, अभी हम बैठे हैं बात कर रहे हैं, आप सब बैठे हैं। तो सेम वही बॉडी का हाल है, जब हमारे पीछे से ही हमारी एनर्जी ब्लॉक है तो कैसे लाइट होगी, कैसे पंखा चलेगा, कैसे हम बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हैं ना, सब कुछ देख रहे हैं, लिख पढ़ सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठे हैं सब। अभी अगर घर की लाइट चली जाए, और पता है 10 दिन लाइट नहीं आएगी, मोमबत्ती में जिंदगी जीनी पड़ेगी अब 10 दिन, हालत खराब हो जाएगी हमारी, पहले दिन ही हालत खराब हो जाएगी गर्मियों के अगर दिनों तो। और तो यही चीज हमारी बॉडी का है। तो अगर बॉडी की जो एनर्जी है, हमारा ऑरा है, अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि घर की लाइट गई, इसको ऐसे मान के चलो, और आप मोमबत्ती की लाइट में अब जी रहे हो कैसे जी पाओगे, ना पंखा गर्मियों में, ना पंखा चल रहा, ना लाइट, ना एसी चल रहा, कोई काम ही नहीं कर सकते है ना। तो क्या होगा, अपने आप को पंखा करते रहोगे, इलेक्ट्रिसिटी को गाली देते रहोगे है ना, बाहर बालकनी में जाओगे वहां गर्मी लगेगी, फिर अंदर आओगे तो लाइफ ऐसे क्या हो गई, एक स्ट्रगल हो गई, अजीब सी सिचुएशन में फंस गए। और यही सिचुएशन आज सबकी है कि प्रॉब्लम है और समझ ही नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले कैसे। तो दोस्तों एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन है कि एक ऐसी डिवाइस जो ऑरा को स्कैन करती है। अभी एक क्वेश्चन उठता है कि आप लोग उधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूं, और मैं बोल रहा हूँ ऑरा स्कैनर की बात, तो आपको क्या लगेगा, मार्केटिंग है। तो आप ही में से कुछ लोग जो है वो भी ऐसे ही आए थे आपकी तरह, और उन्होंने भी यही सोचा था कि यार मार्केटिंग है। तो किसी ने 5 वेबिनार अटेंड किए, किसी ने 10 किए, किसी ने 20 किए, और एक दिन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो कोर्स करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। और जब कोर्स किया तो फिर उन्होंने चेक किया कि यार ये तो वाकई में है, ये तो वाकई में प्रॉब्लम को पकड़ लेती है, और बिल्कुल रूट कॉज तक पकड़ती है प्रॉब्लम। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो पहले नहीं पता था, लेकिन जब कोर्स किया उन्होंने तो उनको ये समझ में आया कि हाँ एक्चुअल के अंदर जो आंखें नहीं देख सकती वो चीज ये रूट कॉज को पकड़ लेती है। और ये चीजें जो है ना, इसकी प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों ने की भी है। अभी इस ग्रुप में भी, अभी स्क्रीन पे भी 4 5 6 लोग ऐसे हैं जो अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और उनको उसके रिजल्ट भी मालूम है। तो जो हम ये स्कैनिंग करते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के रूट कॉज को पकड़ना, क्योंकि एक ही ऐसी विधि है, एक ही ऐसा तरीका है जो रूट कॉज को पकड़ सकता है, वो हमारा है ऑरा स्कैनर। अगर किसी के पास कुछ ऐसा है तो वो बता सकता है मुझे कि हाँ मेरे पास ये टैलेंट है कि मैं जमीन के अंदर पड़ी हुई चीजों को चेक कर सकूं, जो आंखें नहीं दिखती वो चीज मैं देख सकता हूँ। ऐसी ऐसी चीजें जो आज से कुछ साल पहले अगर कुछ कोई कुछ करता था, बताता था, तो हमें लगता था कि यार इसके पास इतना शफा, ये ऐसे बता देता है, अभी भी टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन ऑरा स्कैनर वाले भी ऐसे बता देते हैं, वो बता देते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और वो निकलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वास्तु कंसल्टेंट आज ऑरा स्कैनर नहीं सीख रहे होते। और आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज 2024 है, 2026 के एंड तक जितने भी पुराने जो वास्तु कंसल्टेंट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबके हाथ में या तो एल रॉड होगी या ऑरा स्कैनर होगा, कुछ ना कुछ होगा जरूर। और ये बात आप देखना, आज एस्ट्रोलॉजर ये काम कर रहे हैं,
मैंने कल किसी पर्सन को कल या 2 3 दिन पहले मैंने एक स्टोन उतरवाया था, है ना। तो वो स्टोन आज मैं जहाँ गया था विजिट पे, तो वो पर्सन ने मेरे से शेयर किया कि मेरे एक फ्रेंड है, तो उसने अपनी वाइफ को गोल्ड दिया और गोल्ड जैसे ही उसने पहना तो उसकी तबीयत खराब होने लगी। मतलब 1 2 दिन बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। तो उसके बाद धीरे 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 प्रॉब्लम बढ़ती चली गई, और फिर उसको किसी ने ये बोला कि भैया ये गोल्ड उतार दो। तो उसने 3 4 महीने के बाद में वो गोल्ड उतार दिया और उसकी तबीयत ठीक हो गई, वो डॉक्टरों के चक्कर मार रहे थे। तो उन्होंने ट्रायल बेस पे 1 2 महीने के बाद दोबारा जब ठीक हो गई वो, उसने दोबारा से पहन लिया, तो फिर 2 3 दिन के बाद उसकी तबीयत खराब होने लग गई और हफ्ते बाद ही उसने उतार दिया। मतलब उसकी और 2 3 दिन ट्राई करने के बाद उतार दिया फिर दोबारा, और उसके बाद से आज तक पहना नहीं। तो उसको समझ में आ गया कि गोल्ड सुटेबल नहीं है, कंपेटेबिलिटी मैच नहीं करती। तो वो पर्सन मेरे को खुद बोल रहा ये बात। तो ऐसी चीजें जो है ना, ये कैसे पता लगेगा कि जो स्टोन पहन रखे हैं ये एस्ट्रोलॉजर जो है ना अभी सीख रहे हैं अब इसको भी, ताकि वो एक्यूरेसी भी आ जाए, और बहुत सारी चीजें। तो आज जो है मैं स्कैनिंग, मैंने ये क्यों बताया आप लोगों को, आप लोग वेबिनार में आते हैं तो हमेशा लोग ये इसलिए आते हैं कि मुझे स्कैन कर दो, मुझे स्कैन कर दो, मुझे स्कैन कर दो। तो स्कैन तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है करना, आपका काम है स्कैन करवाना। लेकिन मैंने देखा कि स्कैन कराने के बाद लोग कहता हूँ रात गई बात गई वाली बात हो जाती है। तो अगर आपके साथ में कोई भी इशू है और आपके नियर बाई कोई भी ऑरा स्कैनर एनालिस्ट है जो आपको लगता हो कि हाँ सिंसियरली प्रैक्टिस करता है अच्छी तरीके से, तो उससे कांटेक्ट करो, अपना घर दिखाओ, अपने बारे में चेक कराओ और अपनी प्रॉब्लम लो, पकड़ो उसको। क्योंकि मान लीजिए किसी की उम्र 40 साल है, तो क्या उसकी उम्र अगले साल खत्म होने वाली है क्या? अभी हो सकता है वो 20 30 40 साल और जिए, तो वो क्वालिटी लाइफ जीनी है या वो कंप्रोमाइज वाली लाइफ जीनी है? तो सबसे पहले हमने अनम्यूट किया था, किसको किया था सर? एक बार आओगे स्क्रीन पे, कहाँ गए आप? तो सर भी बोलेंगे मेरे को अनम्यूट करा के कहाँ गायब हो गए। क्या नाम था उनका? चलो एनीवे, आप में से कोई अगर स्कैनिंग कराना चाहता है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। वो सर कहाँ चले गए? वो अभी आया सर, मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहा। योगिता जी आपसे तो बात हो चुकी है मेरी पहले ना, अनम्यूट कर दिया मैंने। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैम, पहले आपको स्कैन कर तो चुका हूँ मैं, बता तो चुका हूँ सर मैंने उसके रिगार्डिंग ही पूछना था, जी। आपने जो बोला था ना मैंने दो ब्रेसलेट पहने हुए, आपने उस दिन लास्ट सेकंड जो मेंबर लिया था उसके ब्रेसलेट उतरवाने के बाद ना उनका फर्क आया था, तो मैं सोच रही हूँ मैं अभी ब्रेसलेट उतार देती हूँ और फिर स्कैन करके देखी भी फिर वही सेम इफेक्ट आ रहा है। मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। ये ना मैंने ब्रेसलेट पहने हुए हैं तो मैं जस्ट ये चेक करवाना चाहती हूँ भी जो रिपोर्ट थी वो, मैं अभी ब्रेसलेट उतरवा देती हूँ, अभी भी सेम आ रही है, कहीं ब्रेसलेट ना मेरे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे तो हैं। उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर किसी नहीं मैंने उस दिन ब्रेसलेट नहीं उतारे थे ना, मेरे को बाद में ध्यान आया जब आपने किसी लेडी के ब्रेसलेट उतरवा कर उनको चेक किया, आपने उनको बोला भी था कि ये ब्रेसलेट सूट चलो नहीं कर चलो रहा। चलो आओ फटाफट मैं चेक करता हूँ। हाँ जी 1 सेकंड में उतार देती हूँ। बताओ आपका पॉजिटिव हो रहा, पहले क्या आ रहा था? पॉजिटिव हो रहा तो आपने बताया नहीं था, आपने मेरे को बोला था कि आपका हो रहा नेगेटिव है। देखो क्या हो रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ जी आई थिंक ये ओरा क्या बता रहे हैं इसको। आप वो उठाओ जो आपने पहना हुआ था, वो उठा के दिखाओ जरा मुझे। हाँ मैं वो 1 मिनट वो पहनती हूँ अभी, आप अब देखना। देखो छोड़ो 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 छोड़ दो, पहनो मत, दिखा दो बस। अच्छा दिखा दूँ देखो ये दो। ये आप हाथ में जैसे ही आप लिया है ना, इसका मतलब इससे अगर आप कैरी करते हो तो वो तो ब्लॉक ही हो गया, और जैसे ही आप साइड में रखते हो, रखो दोनों रखो, ये भी ब्लॉक है, दोनों रख दो साइड में, दोनों साइड में रखो। ये देखो
इसका मतलब ये आपको नुकसान दे रहे हैं, इनको पहनो मत। आपकी बॉडी के अंदर अभी भी पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है कंटिन्यूअसली। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ और भी पहन रखा है क्या? आप म्यूट हो गए। अनम्यूट किया मैंने आपको? अनम्यूट हूँ सर मैं, नहीं नहीं आप किया मैं। अच्छा अनम्यूट ही थे, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही थी मुझे? वो बीच में कॉल आ गई थी, मैंने अभी कट किए, शायद उसके कारण हो गया हूँ, अच्छा वो मैं बता रही हूँ, वो चुका। हाँ जी, अब देख लिया मैंने, वो चुता दी, किस चीज की वॉच थी वो? वो टाइटन की गोल्ड प्लेटेड वॉच थी। देखो आपका थोड़ा सा और खुला है। हाँ अच्छा, इसके बाद जी, और अंगूठी किस चीज की पहनी आपने? अंगूठी मैंने, ये तो एक सुच्चे मोती की पहनी है और ये चांदी की है, वैसे दोनों ही नहीं उस पर कुछ स्टोन लगा हुआ है क्या? हाँ, सुच्चा मोती होते हैं ना, पर्ल पर्ल लगा है। उतारो, उसे उतार लो। हाँ जी, एक बार ना मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे लेता हूँ। ठहरो, ठीक, एक सेकंड, स्कैन हो रहा है, एक सेकंड। आप मत पहनो ये अंगूठी भी मत पहनो। हाँ अच्छा, ये अंगूठी मत पहनो। ओके, जी, अंगूठी भी मत पहनो। आपने जितनी भी चीजें पहन रखी हैं वो गलत पहन रखी हैं, ये सभी गलत है, सब गलत पहनी हुई आपने। है इनको उतारने के बाद ओरा पॉजिटिव आया। पहले से बहुत बेटर हो गया, फर्स्ट क्लास। आप इसको मत पहनो ना, क्यों पहन रखा आपने? ये तो बल्कि आपको नुकसान दे रहे हैं। ये मैंने एक ब्लैक टर्मिलिन पहनना है और एक रुद्राक्ष और सप्तिक का नहीं नहीं ब्रेसलेट वो तो पहनना आपने है। उतार दिया ना, तो हाँ, वो उतार दिया। इसको कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिना पहने भी ठीक हो इसको। अब आ रहे सर IRUV इफेक्ट, बंधन दोष अब आ रहे, फिर मैं बंधन दोष का उपाय करवाऊंगा। आप मत पहनो ये, रहने दो, आप इसको मत पहनो, ठीक है ये? वो ठीक है, तो अब IRUV इफेक्ट नहीं आया। मैं कंप्लीट अभी चेक कर रहा, लेकिन आप पहले ये पहनते ही आपकी ऑरा ब्लॉक हो रही है। और ओके आपकी, ओके, हाँ, ऑरा ब्लॉक होने का मतलब सिंपल सा ले लो कि आपके ब्रेन को पावर ब्लॉक होती है, ऐसे मान लो। क्योंकि ओके ओके, तो बॉडी तो हमारी फंक्शन करती है ना, बीमारी लगती है, कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं, लेकिन दिमाग तो काम करना चाहिए ना, आपकी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एनर्जी वहां ब्लॉक करता है, तो ये गलत। दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितने भी हम लोग स्क्रीन पे हैं, अगर हम लोग कोई भी रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई क्रिस्टल पहनते हैं, जेम स्टोन पहनते हैं, कुछ भी पहनते हैं, तो हमें ऐसे नहीं पहनना। उसको पहले चेक कर लो, हो सकता है कि वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे रही हो, आपकी लाइफ की ग्रोथ को भी रोक देगी। तो ये आपने जो पहन रखा था, ये आपने अपनी ग्रोथ को रोका हुआ था। एंड सर, जो आपने बंधन दोष बताया था, मेरे को ये पूछना था कि उसका उपाय कोई भी पंडित कर सकता है या मतलब आपसे ही मतलब करवाना मैं इस होगा। बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि देखो मैं एक बात जानता हूँ, बंधन दोष का उपाय पंडित जी तो कभी करते नहीं, जो ओके ओके, इस काम को करने वाले लोग हैं वो करते हैं। अब उनमें से कौन, अब क्या बोलते हैं, बाबा ओझा तांत्रिक, अब कौन सही है कौन गलत है उसको तो हमें भी नहीं पता ना। अच्छा चलो, हम फिर तो मैं सही, आपसे ही हमारे पास बनवा तो लूंगी। साइंटिफिक तरीका होता है, हम तो उसी को अप्लाई करते हैं, और जिससे हमें रिजल्ट आते हैं हम तो वो अप्लाई करते हैं। उसमें ना तो ठीक कोई ठीक किसी को परेशान होने की जरूरत पड़ती है ना कुछ, सिंपल सा एक फॉर्मेट होता है, उसी को ही अप्लाई करते हैं। ओके, तो बस मेरे को यही कंफर्म करना था, अभी उतार कर भी बंधन दोष आ रहा है, तो फिर मैं फिर बनवा मैं लूंगी आपकी आपसे। स्कैनिंग पहले कर चुका हूँ, मैंने सिर्फ अभी आपको ये बताया कि ये जो चीजें चेक करी है ना आपकी, ये उतारते ही आप हाँ पहले से बहुत बेटर हो गए। हाँ चलो ठीक है सर, ये सब चीजें उतार देती हूँ मैं, इसको पहनने की थैंक जरूरत यू। नहीं है, ये तो बल्कि आपको नुकसान दे रही है ना। तो एक बार ठीक म्यूट कर है, लीजिएगा प्लीज। ओके सर, राकेश कसेरा साहब, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। जय श्री राम। बताइए, जय श्री राम जी। जी ओरा सर। स्कैनिंग से रिलेटेड ही बात करना चाह रहा था मैं। हाँ जी,
मेरी लास्ट टाइम लास्ट जो आपका सेशन था उसमें भी मैं जुड़ा था आपके साथ। जी उस समय भी आपने कहा था कि भाई अगली जो भी होगी उसमें आपको स्कैन कर पाएंगे, अच्छा उस जी समय आप नहीं कर पाए थे। तो जी एक एक तो मैंने ये रुद्राक्ष पहने हुए हैं। बार सर उतार पाओगे सारा? मैं जी, तो सारी पावर पहनी हुई है, सारी हाँ जी अरे पावर आपने पहनी हुई है। अच्छा सर, अब एक एक चीज आपने उठा के दिखाओ मुझे। ये तो इसमें तो मेरे बच्चे का दांत है। अरे कोई बात नहीं, आप इसको दिखाओ मुझे। एक दिखाओ दिखाओ, अपने नीचे चला गया वो, थोड़ा ऊंचा करो इसको, रखना साइड में। ये काला हकीक है, ऊपर दिखाओ सर, दिख नहीं रहा। इसको भी साइड में रख देना। और ये रुद्राक्ष है। ये आप रुद्राक्ष जो है पहन के सो जाते हो या उतारते हो? उतारता हूं। हाँ रोज रात को उतार देते हो है ना? अभी हाँ कौन ये तीनों ही चीजें आपके ओरा को ब्लॉक कर रही हैं, तीनों। सी? वो दोनों तीनों हाँ जी, ठीक है, तो इनको यूज नहीं करते हैं। इसको आप उतार के रखो साइड में। बच्चे का दांत क्यों पहना हुआ है आपने? बच्चे है तो का दांत क्यों पहना हुआ है? वैसे ही डाल लिया था, अगर नहीं सूट करता है तो उतार देंगे। रखना इसको साइड में, रखो तीनों चीजें। हाँ मत पहनो आप, अब बिल्कुल ओके रिपोर्ट दिख रहा है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो आप। ठीक है सर, थैंक यू। आपको पहननी नहीं है सर, आप ये आप इसको पहनने के बाद खुद का नुकसान करके कर रहे थे आप। जी, ठीक जी है सर। तो जैसा आप कह रहे हैं उस तरीके से तीनों चीजें छोड़ देते हैं। हाँ, इसको मत पहनो, कोई यूज की नहीं है बल्कि आपको नुकसान दे रही है। एक ये था, ये तो खैर उससे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड किसी ने दिया था मुझे। देखो इसको साइड में रखना सर, आप रहने दो। कुछ भी, आपको सारी चीजें हटाने के बाद आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाता है ना? तो बढ़िया चलेगा आपका। अब जरा सारी चीजें एक बार हाथ में ले लो। छोड़ दो सर, आपकी तो पूरी की पूरी दुकान ही बंद कर रखी है इसने तो। नहीं, नहीं सच बता रहा हूं मैं, अंदर का वो पूरा सिस्टम ही क्लोज कर रखा था। इसीलिए मैं आपसे ये ओरा स्कैन करवाना चाह रहा था कि भाई कौन सी चीज तो सूट कर रही है और कौन सी नहीं कर रही। जी तो ये मत पहनिए आप। सर, बिल्कुल नहीं बने। एक और दूसरा, मेरी आपसे फोन पे भी बात हुई थी ओरा बूस्टर से रिलेटेड, अच्छा जी, तो वो भी मैं आपको, या तो आप जो नंबर है आपका 9999 वाला, उसी पे वो अमाउंट आपको डालना है मुझे। हाँ जी, उसी पे ही है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, उसी पे ही है। नहीं रिपोर्ट भेजने आप तो ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं जी, नहीं बार कोड? आप उस पे जीपे पे कर सकते हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं भेज दूंगा। ओके ओके। आप मुझे अगर वहां पे मैसेज डालोगे तो मैं भेज दूंगा। नहीं, मैसेज तो मैं आपसे आज ही जुड़ा हूँ, मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े थे, तो आपने वो यूट्यूब वीडियो मुझे सेंड किया था। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं उसका। आपने मैं बहुत सारी आती है ना मैसेज, तो मुझे आइडिया नहीं है। जी, मैं दोबारा जी ठीक, अपना नाम लिख के आपको भेज देता हूँ एक बार। ओके ओके ओके, राइट ठीक सर, है सर, फिर ये सारी चीजें ही मैं यूज करना बंद कर देता हूँ आज से। ठीक बिल्कुल बंद कर दो सर, आपको फायदा नहीं दे रही, है, नुकसान तो ही देंगी। बोलिए एक सवाल और पूछ सकता हूँ सर? सर, बोलिए। मैं पिछले नवरात्र से हनुमान वड़वानल के पाठ कर रहा हूँ डेली 5, तो वो करता रहूँ या छोड़? किसके किसके, हनुमान वड़वानल, ये क्या मतलब हुआ हनुमान बड़वाना? ये विभीषण कृत एक
वो है जैसे हनुमान चालीसा है उसी तरीके से। हाँ कर लो सर, ये तो सूट कर रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। थैंक ना, ठीक है सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। यू सर। हाँ म्यूट कर लीजिएगा सर एक बार। ओके सर। जी अनीता जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते मैम। सर मुझे ओरा स्कैन आपसे अभी करवाना है, तो प्लीज। जी आपको स्कैन कराना है? ठीक है, आपका ऑरा नेगेटिव है, आपके ऊपर IR UV का भी इफेक्ट है, और आपके ऊपर में जियोपैथिक स्ट्रेस भी है। सर, इसका मीनिंग मुझे थोड़ा समझ में है, जियोपैथिक मतलब। वो मैं पहले बहुत सारे वेबिनार में समझा चुका हूँ। आप एक काम कर लीजिएगा, आप ना अगर उस पे जाएंगे ना, यूट्यूब पे जाएंगे, तो उसमें आप जो है ना डालिएगा ओरा स्कैनर विद जितेंद्र, तो वहां जाके ना जियोपैथिक वाला जो वो है वीडियो है उसको आप देखिएगा, तो आपको पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया, काफी सारी चीजें हैं। जी, मतलब बेसिकली आपको सिर्फ और इतना ही बता सकता हूँ कि जो जियोपैथिक स्ट्रेस है उस पे रहने से हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। सर दूसरा आपने क्या बोला, मुझे कोई दोष मतलब कोई पितृ नहीं, दोष या समथिंग मुझे आपका समझ नहीं आपका आपने आया। कुछ पहना हुआ है? ऑर्नामेंट्स कुछ पहने हुए हैं? डायमंड वायमंड या कुछ ऐसा कुछ पहना हुआ है? नहीं कुछ नहीं पहना। अच्छा, तो आपका ऑरा भी नेगेटिव है, IR UV का भी इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है। ये IR UV का मतलब क्या हुआ सर? ये IR का मतलब होता है इंफ्रारेड, और बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई काम बनते बनते बिगड़ते हैं। IR का इफेक्ट का सबसे बड़ा नुकसान यही है। और दूसरा, आप जियोपैथिक अगर पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। चलो मैं आपको, जिस भी घर में जियोपैथिक होगा वहां पे लेजीपन आएगा, लथार्जीनेस आएगी, एंजाइटी होगी, शॉर्ट टेम्पर्ड होना शुरू कर देंगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, लोग एक दूसरे से बिन बात के बहस करेंगे फालतू में, है ना। और कई बार जियोपैथिक का स्ट्रेस का लेवल, क्योंकि अर्थ से निकलने वाला ये रेडिएशन है, तो घर में हल्के हल्के क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सब सिम्टम्स हैं मेरे। तो घर में कई बार ना क्रैक्स आने शुरू होते हैं, या फिर पपड़ी उखड़नी शुरू हो जाती है, या सीलन आनी शुरू हो जाती है, या चींटियां दिखती हैं घर में। तो ऐसे सिम्टम्स तो हैं। मेरे ऊपर कोई जी सब है सर, यू आर राइट, एंड दिस सिम्टम इज ऑलरेडी हियर इन माय होम। बट सॉरी मैं आपकी बात नहीं काट रही हूँ, लेकिन मुझे कोई बंधन दोष है क्योंकि अभी भी मैं अनमेरिड, तो इसका क्या रीजन? नहीं, आप बंधन दोष कोई भी नहीं है। नहीं, कोई BM के ऐसा कुछ नहीं है ना अभी? बस जियोपैथिक है। जियोपैथिक पर ज्यादा समय रहने से कैंसर भी हो सकता है। अगर सर के पीछे से जियोपैथिक जाता है तो ब्रेन हेमरेज, ब्रेन क्लॉट्स हो जाते हैं, हार्ट से जाता है तो हार्ट इशू, लीवर किडनी से जाता है तो लीवर किडनी के इशू, ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऑलरेडी है सर, मेरे फादर को किडनीज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो बताया मैंने आपको, आपके घर पे जियोपैथिक है, जियोपैथिक अगर होगा तो प्रॉब्लम रहेगी, आप जियोपैथिक का इलाज कराओ। अगर घर में सबको ठीक कर रहा है, अभी घर में एक मेंबर है, कुछ समय में कोई दूसरा मेंबर भी प्रॉब्लम हो सकती है उसको, मेजर हेल्थ इश्यूज। ओके ओके सर, थैंक यू। जी रूपाली जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। आ रहा हूँ मुंद्रा साहब, आप पे भी आ रहा हूँ। सर मुझे भी करना है। आप लोग जितने भी पूछ रहे हैं तो उस पर अमल भी करना, अगर अमल नहीं करोगे तो पूछने का फायदा भी नहीं है। सर मैंने एडमिशन लिए है, मैं बोली थी ना मैं बाहर जा रही हूँ, फेब्रुवरी में ज्वाइंट होंगी। आपने एडमिशन लिया हुआ है तो हाँ आपकी तो रिपोर्ट फिर बना के दूंगा मैं। तो ओके। हाँ फरवरी वाले बैच में हो आप? हाँ तो फिर क्या करूं बताओ। ओरा स्कैन करना, सब लोग कर रहे हैं, इसके लिए मुझे भी मन हो रहा है कि मेरा भी करूं। अभी कुछ बताऊंगा ना तो आपकी क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाएगी।
आपके साथ भी ऑरा जो है नेगेटिव आ रहा है, और जियोपैथिक भी है आपके घर पे। हाँ जियोपैथिक भी है, तो जियोपैथिक सिखाऊंगा आपको, अपने घर की प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। तो सिम्टम्स मैंने बताए थे, कुछ ऐसे सिम्टम्स आपके घर में मैच करते हैं हाँ सर, जो मैंने अभी मैडम को बताए थे, ऐसे कुछ हाँ सिम्टम्स मैच करते हैं? हाँ हाँ, तो आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है, और ये जियोपैथिक स्ट्रेस जो है ना बहुत मेजर इशू है, ये दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता है। ये जो आपने कोर्स ज्वाइन किया है, इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा आपकी सारी प्रॉब्लम, एक तो रिपोर्ट बना के दूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप समझ भी जाओगे और उसको सॉल्व भी कर लोगे। ओके जी, कृष्णा प्रभात जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया था। हेलो, हाँ सर, वीडियो पे आ जाइए नमस्कार प्लीज। सर। सर नमस्कार जी। मुझे आज थोड़ा सा अपनी बिटिया का जो है ऑरा स्कैन करवाना था, तो अच्छा, वो साथ में है मेरे। सर क्या नाम है बेटा आपका? क्या भाप्या भाप्या नाम है? अग्रवाल, स्पेलिंग बोलना। BHAVYA। अच्छा, भव्या। जी ओके, तो बेटा क्या करते हो आप? मैं जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। डिस्कशन आपके साथ करूं, आपके पापा के साथ बताऊं? चल सर साथ में ही है। देखो बेटा, पहली बात तो आपका ऑरा नेगेटिव है, IR UV का भी इफेक्ट है आपके ऊपर। दूसरा, आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस भी है, ठीक है? और आपके आपको जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आएगी ना, वो आएगी नाभि से नीचे शुरू होगी, नाभि से नीचे पैरों तक में इशू आने शुरू होंगे सबसे पहले, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि तो आपका रूट चक्र, सेक्रल चक्र दोनों ही ब्लॉक है। अच्छा ओके, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नाभि से नीचे, इसका ध्यान रखिए। तो सर मैं कल आपसे इसके बारे में डिस्कस करूंगा दिन में। हेलो, कर लीजिएगा सर। ठीक है सर। तो इसके लिए थोड़ा सा मतलब मुझे उपाय भी चाहिए। आप क्या कर रहे थे बेटा अभी? आपने क्या बताया था, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? गवर्नमेंट एग्जाम्स की, अच्छा, नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, किस चीज की? मतलब बैंकिंग। बैंकिंग का। ओके, ठीक है। तो आपके ना एक्चुअली चक्रास पे भी इम्पैक्ट है, आपका ऑरा भी नेगेटिव है, घर में जियोपैथिक भी है। तो जियोपैथिक पे सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपका, जैसे मुझे ये नहीं मालूम आपके घर में कौन सी जगह पर है ना? तो अब उस जगह पे आप सोते हो या नहीं सोते, एक बार पापा को दिखाना। हाँ है, देखो पापा के ऊपर भी है। अब मेन लाइन किसको टच कर रही है ये नहीं पता, या शेडो लाइन में कौन आ रहा है, क्योंकि जो मेन लाइन होती है जियोपैथिक की, उसके बाद उसकी 2 फुट, 10 फुट, 12 फुट तक भी शेडो होती है। तो उस शेडो में भी अगर कोई सोएगा रहेगा तो उसकी भी एनर्जी डिस्टर्ब होने लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन और बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, और जो जियोपैथिक की फ्रिक्वेंसी है वो 150 से 300 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है। तो अगर ज्यादा फ्रिक्वेंसी पे ब्लड सेल्स ओवर एक्टिव होते हैं, हार्ट बीट बढ़ती है, एंजाइटी आती है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, घर में बैठते ही आप घर पे पढ़ाई कर पाते हो ढंग से पूरा फोकस होके? लेकिन हाँ कर लेती हूँ जैसे अभी आप एक्चुअली यंग हो, तो उसमें क्या जी। होता है कि जियोपैथिक का जो इम्पैक्ट है वो बच्चों पे और बुजुर्ग लोगों पे बहुत जल्दी पड़ता है, और यंग लोगों को जैसे ही अगर अच्छा किसी के ऊपर 4 से 6 साल में इम्पेक्ट आएगा, तो बाकी के ऊपर 6 से 8 साल में आएगा। तो आप जियोपैथिक पे हो तो इस चीज को देखो, घर में हेल्थ इश्यूज भी आएंगे।
अच्छा ओके। तो घर में कहीं क्रैक्स सर ऐसी कुछ तो नहीं है अभी? क्योंकि अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब जियोपैथिक की पावर बहुत ज्यादा होती है उसमें, नहीं, क्रैक सीलन जैसा तो या हमने पपड़ी सुना उखड़ रही हो या सीलन हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? नहीं। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना तो जियोपैथिक बहुत हाई पावर का होता है, फिर वो जो 6-8 साल में इम्पैक्ट आना है वो इम्पैक्ट 3 से 4 साल में ही आ जाता अच्छा सर, वैसे मैं रेंटल हूँ यहाँ पे, तो है। अच्छा ये बताइए कि कल अगर हम चाहें कि जियोपैथिक का भी हम आपसे चेक करवा लें तो वो कैसे हो सकता है? उसके लिए आप उसे बात कर लेना, वो घर की स्कैनिंग होती है पूरी, तो मैं जी आपको ऑनलाइन सारी स्कैनिंग होगी, स्कैन होके वो लाइन पकड़ी जाएगी कौन सी लाइन है, उसको डायग्नोस किया जाएगा, फिर उस लाइन की ट्रीटमेंट की जाती है रेमेडी के थ्रू, और फिर वो सील हो जाती है। जब वो सील हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट आना बंद हो जाता है। कर तो मैं कल 11 बजे कॉल कर लूँ आपको? ठीक लीजिएगा मुझे कॉल। है सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। नारायण राउत साहब, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। हाँ सर जी, नमस्कार। अरे सर, आपके हाँ तो 3-4 बार बात आवाज आ हुई। रही है आपकी। हाँ, जी ओरा स्कैन के लिए, ओरा स्कैन भी करो। सर, आपकी आवाज जो है ना वो 3-3 4-4 बार गूंज के आ रही है। एक मेडा, आपने वो याद दिला दिया जब स्टेज पे खड़े थे ना, टेस्टिंग टेस्टिंग 1 2 3 1 2 3। अभी जी अभी एक मैंने पहली बार में ही आपकी बात सुन ली थी, आप उनको 3 4 बार बोल रहे हो। देखो अभी अभी वो मोबाइल लगा था क्योंकि हाँ वो हाँ लैपटॉप के अभी रजिस्टर है, लेकिन वो इंटरनेट है ना अनस्टेबल है, इसके लिए ज़रा। कभी कभी रुक जाता है, तो मोबाइल पे लगाया आपको तो चेक भी किया था सर मैंने पहले भी, था। हाँ आपको तो चेक भी किया था पहले। मैं हेलो कह रहा हूँ आपका सर। स्कैन किया, आपको स्कैन पहले कर चुका हूँ ना मैं, नहीं 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 किया, नहीं किया? तो नहीं मेरे किया, को लगा आप पहले भी आ चुके हो ना। नहीं नहीं बताइए, मैं तो आया है लेकिन स्कैन नहीं करके अच्छा लिया। क्या जानना चाह रहे हैं आप, क्या हाँ जानना चाह रहे हैं? आप अपना ऑरा कैसा है? सर आपका भी हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है, हाँ आया यूवी का भी इफेक्ट है आपके ऊपर, और आपको जो प्रॉब्लम आएगी ना वो पेट से नीचे तक के हिस्से में आएगी। हाँ बराबर। अभी अभी है प्रॉब्लम्स? है थोड़ा थोड़ा हाँ, पेट से, मतलब। हाँ पेट से पैर जो जमीन पे रखते हो वहां तक के इशू आएंगे आपको सारे। हाँ 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 है, चालू है। क्योंकि आपके साथ जो है ना प्रॉब्लम, आपके तीन नीचे के चक्रा जो है वो ब्लॉक है, तो आपको वहां भाई दिक्कत आएगी। अंगूठी भी पहना है, अरे बाप रे, ब्रेसलेट भी है और माला भी है। और मैं आपके अभी का 5 तारीख से क्लास चालू है ना, हाँ मैं जी, आपको, हाँ मैं जुड़ा हूँ उसके साथ। आप ऑलरेडी इनरोल हैं? नहीं अभी मैं मतलब ये चालू होगा तभी बुक करके रखा है, अभी कोर्स नहीं, आपने बुक किया है। आपने कोर्स कोर्स में बुक कर लिया? हाँ, बुकिंग किया है। हाँ आप ग्रुप में हैं? ग्रुप में है। अच्छा, तो फिर क्या हाँ दिक्कत है, फिर तो आप सीख के निकलोगे। हाँ फोटो भी भेजा है आपको, लेकिन आपने बोले थे क्लास शुरू होएंगे तब करेंगे सब। हाँ, हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए मैं क्या, अभी तो सबका चालू है तो इसके लिए बोला आप, हाँ, आपने आपकी चेक कर प्रॉब्लम का लिया। हाँ सलूशन भी निकलेगा और आप निकाल भी लोगे दूसरों की भी, ये भी हाँ प्रॉमिस हाँ है। डन हाँ है जी, हाँ हाँ मैं कह रहा हूँ क्लास में एक एक चीज सिखाऊंगा, रिपोर्ट भी बना के दूंगा, रिपोर्ट समझना भी और उसका हाँ उपाय भी हाँ करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि मैं ज्योतिष वास्तु रेखी
जी अरे हाँ, और आर्टिस्ट भी हो। क्या होता वाह है, सब सब एक ही साथ चालू होते, कौन सा काम किस टाइम पे करूँ, और अच्छा कभी दूसरे का, हाँ थोड़ा दूसरे का इम्पैक्ट पर आता है इसलिए। सर, आप आर्टिस्ट के बाद एक और चीज है, आप म्यूजिशियन भी हो। हाँ हाँ उसका टैलेंट आपने दिखाया था कि अभी 3-4 बाज आवाज निकाल के। चलो ओके मिलते हैं सर, क्लास में शुरू करेंगे आपके ओके, 5 तारीख को ना। ओके साथ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। जी मैंने दिव्या जी, मैंने आपको डी विजय जी लिखा है, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अच्छा वासुदेव जी, अपने बेटे को हाथ लगा रहे हैं, यूं कर रहे हो, मेरे को लगा आशीर्वाद दे रहे हो, इतनी देर से आपने हैंड रेज नहीं किया, मुझे लगा बड़ी देर से आशीर्वाद आ रहा है। जी डी विजय जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। सर फर्स्ट टाइम सर आपका प्रोग्राम में मैं अटेंड। अच्छा आप थोड़ा सा फेस, हाँ सर आपने भी वो कुछ पहन रखे हैं ऑर्नामेंट्स? उतार, और रिंग्स है यहाँ सर, इतने सारे रिंग्स पहन रखे हैं, पर उतार लो उसे भी। देखते जरूरत ही नहीं आपको करने की, एक एक करके दिखाना वो। कैसे रिंग है, जस्ट नॉर्मल है सर। इसको पहन लो जरा, अब दूसरी चीज दिखाना। इसको साइड में रख दो, मत पहनो इसे। जस्ट मामूल मामूल सा रहेंगे ऐसे। इसको भी हटा दो। इसको भी हटा दो। ओके इसको भी हटाना, okay. बस हटा दो, बस ये जो पहना हुआ बस यही पहन के रखो। आपने ब्लॉक किया हुआ था अपने आप को, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है आपके साथ, सर अब बिल्कुल ओके है। अब ओके आपके घर में भी जियोपैथिक स्ट्रेस है? इश्यू है सर, नो सर नो। मैं कह रहा हूं आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस है? हाँ जो उतारा है वो पहनना मत, लेकिन आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस से असर है। जी ओके। अभी इस घर में नया नया है सर, 2 महीने हो गए। अच्छा, लेकिन आपकी बॉडी के ऊपर इम्पैक्ट दिखा रहा है, हाँ दिखा रहा है, हेल्थ इश्यूज है सर। तो यहाँ आने से हुए शुरू, कैसे हुआ है? ना नो नो, पहले से थोड़ा, 2 2 साल से। सर अच्छा चलिए, राइट जी। अब वो पहनिएगा मत, क्योंकि लेडीज छोड़ नहीं पाती, गोल्ड पहन लेती है तो फिर दिक्कत शुरू हो जाती है। जी वासुदेव जी, मैंने अनम्यूट कर दिया। इसका थोड़ा और अब चेक करना है। फर्स्ट क्लास है सर इसका, हो रहा हाँ, फर्स्ट क्लास है। नहीं इसका कोई फील्ड क्या है सर? इसमें कोई काम करता है, मतलब ये प्रॉपर्टी में करना चाहता है कोई, और कुछ इसके लायक कोई? ये बताएंगे ना कि ये क्या करना चाहते हैं। तो मैं प्रॉपर्टी का अभी मतलब करना चाहता हूँ, अब करता भी हूँ ऐसा। प्रॉपर्टी में क्या, सेल परचेज? हाँ, सेल परचेज। वो तो आपको सूट करता है, अगर और ये दो रिंग पहनी हुई है मेरे, उतारना। उतारू? अच्छा जी देखो, आपको इनमें से कोई, ये एक रिंग उठाओ, पहनो कोई एक रिंग, दिखाओ दिखाओ। मुझे, मुझे दिखा दो रिंग, दिखाओ रिंग, रिंग आगे से जहां से वो है, वो स्टोन है। हाँ
ऐसे ही है, नॉर्मल है। पापा वो थोड़ा पीछे हट रहे हैं कि थोड़ा आपको दिख रहे हैं तो उनकी भी हो रहा है। हाँ ये वाली रख के दूसरी उठाना। ये वो घोड़े के नाल वाली आती है ना, वो है लोहे की। हाँ तो आप दोनों पहनो। दो ही पहनी थी ना या कितनी थी? हाँ नहीं, दोनों ही पहनी हुई थी, अभी दोनों पहन ली मैं। पहन लो आप फर्स्ट क्लास, बल्कि इनको पहनने से आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है ना। और ओके हो सके तो एक डिवाइस है हमारी 6-in-1 औरा बूस्टर डिवाइस, वो यूज करो, आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्प करेगी। तो ऐसे मैं पूजा पाठ वगैरह करता हूँ सुबह शाम। हाँ अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। कौन वो मशीन का बोल रहे थे ना, और वो मशीन का बोल रहे थे आप सी मशीन का? अभी 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 जो बता रहे थे, नहीं, और मशीन अच्छा नहीं है, मशीन नहीं है, वो 6-in-1 अभी औरा बूस्टर डिवाइस है जो पॉकेट में रखी जाती है ना। तो अच्छा जैसे मान लो ये देखो, ये होती है, ये तो अगर आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहिए हो तो ये जरूर रखो। नहीं ऐसे मेरे हो रहा है जो पॉजिटिव है। हाँ वैसे नहीं है, लेकिन ये जो आपने पहन रखी है स्टोन, इसकी पावर की वजह से पॉजिटिव दिख रहा पहने हुए रखूँ मतलब ऐसा, वो डिवाइस है। हाँ हाँ ये का। आपको सूट कर रही है, इसको पहने रखो। डिवाइस और डिवाइस कैसे परचेज करें? आप मेरे नंबर पे पैसे भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो, अपना एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर भेजो, यहाँ से कोरियर चला जाएगा, कितने रुपए का है सर वो? वो आप फोन पे बात कर लेना। ओके ओके सर। एक्चुअली पता है क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि अब जब मैं यहाँ पे ये बात बोलता हूँ ना कि आप ये यूज करो, तो ऐसे लगता है कि ये कुछ बेच रहे हैं सामान, और लगता भी ऐसी है, मैं भी अगर कहीं बैठूंगा तो ऐसे लगेगा। लेकिन हाँ जी जैसे मैंने किसी और को नहीं बोला, लेकिन आपको देखने के बाद, क्योंकि आप यंग लड़के हो है ना, प्रॉपर्टी हाँ भाई में काम कर रहे हो जैसे मान लो, तो होता क्या है, काम कोई भी कर रहे हो तो ब्रेन जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए। अगर ब्रेन एक्टिव होगा तो आप बहुत बेटर तरीके से चीजों को हैंडल कर पाओगे लाइफ में, है ना। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सजेशन यही देता हूँ कि सबको यूज करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको पर्सनल ग्रोथ देगा ही देगा, पर्सनल बेनिफिट देगा ही देगा। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, दर्शना जी अभी टाइम बहुत हो गया, मैं एक लास्ट ले लेता हूँ, उसके बाद फिर। जी दर्शना जी बोलिए। हाँ जी, जी नमस्कार मैम। हाँ जी, जी बोलिए बोलिए, आगे बोलिए ना। हाँ जी, मैं बीमार, हाँ जी मैं सर बीमार बहुत ज्यादा रहती हूँ, क्या करते हैं? बीमार ज्यादा रहती हूँ मैं। तो मुझे दिखाई तो दे नहीं रहे आप कहीं भी, स्क्रीन पे ही नहीं है आप। कैमरा 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 मुकुंद जी कहाँ चले गए? हाँ जी मुकुंद नहीं जी, मिल रहा आपने सर, हैंड रेस किया था, कुछ कह रहे थे आप। कैमरा नहीं मिल रहा, कैमरा कैमरा हाँ तो नहीं मिल रहा। चलो मुकुंद जी, आप कुछ कह रहे थे, मैंने अनम्यूट किया। जी सर मैं बोलिए बोलिए। बोलूं, हाँ जी मैंने भी चेक किया तो मिसेज के भी है ना, ये गड़ा पैरा हुआ था उसको उतारना पड़ा, और मेरे भी ये रुद्राक्ष की माला थी, सूट नहीं कर रही थी, उतारा। उतारा ना, हाँ कब उतारा? ये 3 दिन हो गए। हाँ अच्छा, तो आपने प्रॉपर चेक कर लिया था, तो इसी से चेक किया, उससे कुछ रिजल्ट आपको समझ में आया? अब आएगा तो आए, उसका तो है ना ओरा ही ब्लॉक कर रहा था। अच्छा, और आप ब्लॉक कर रहा था। हाँ विद्या के जो हाथ में पैर हुआ था, हाँ हमेशा जी, दर्द होती है, जहां दर्द होता है उसको लगा देती है, तो उसके दर्द में आराम मिलता था, और वो ब्लॉक कर रहा था, अच्छा क्या तो निकाल दिया, वो खुल गया ओरा। उसको प्रॉब्लम, क्या है विद्या जी को? तो प्रॉब्लम तो बहुत है, उसके शुगर है, बीपी है, उसका गाल ब्लेडर निकाला हुआ है, और और
हार्ट के संबंधित भी थोड़ी है। अच्छा चलो, आप मुझसे कल बात करना, मैं आपको एक डिवाइस रेफर करूंगा, है ना। उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी है। हाँ अच्छा चलो, आप मुझसे फोन पे बात करना, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, उसको ट्राई करके देखना, उससे शायद आपको उनको शायद अच्छे रिजल्ट आ जाए। ठीक है, ओके जी। जूम यूजर्स लिखा अशोका जी है मेरे ख्याल। अशोका जी मैंने अनम्यूट कर दिया जी। दोस्तों मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। मैं एक बार सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो कोर्स है वो स्टार्ट हो रहा है, और 1-5 तारीख को है और 1-12 को है। तो अगर इसमें ग्रुप मेरा कंप्लीट हो जाता है तो वो 5 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और अगर इनकेस 1% भी उसमें कुछ दिक्कत आती है तो मैं फिर आपको एक दूसरा बताता हूँ। फिर एक हमारा ये 12 तारीख को भी है, तो इसमें 9,311 रुपए जो है इसकी फीस है। अच्छा आपका वीडियो चल गया जी? वीडियो चल गया आपका? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अभी आता हूँ, रुको अभी आता हूँ। तो जो कोर्स है उसकी फीस जो रखी है हमने वो 9,311 रुपए फीस है। 11 दिन का कोर्स है टोटल। उसमें आपको पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्रास, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, है ना, और बहुत सारे, जैसे किसी को ये चेक करना कि उसको कौन सा बिजनेस जॉब सूट कर रही है, और काफी सारी चीजें हैं। तो कुछ ऐसी हिडन चीजें जो समझ में नहीं आती वो भी हम इससे सिखाते हैं। और इस कोर्स में एक डिवाइस है जिसे एलरॉड बोलते हैं, कुछ इस तरीके की डिवाइस होती है जो जिसको हम स्कैन कर सकते हैं जिससे हम, तो इस एलरॉड को मैं गिफ्ट कर रहा हूँ। तो इस एलरॉड से भी हम वॉइस स्कैनिंग कर सकते हैं जो अभी हम कर रहे थे। तो साथ में 1 पर्सन की फुल बॉडी स्कैनिंग मैं कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूँ, कि 1 पर्सन की स्कैनिंग, तो आपको अपने बारे में भी पता चल जाएगा कि आपके साथ क्या है। अभी 4, 5 और 6 ये 3 दिन जो है, फिर दोबारा से एक वेबिनार कर रहे हैं, और उसके टाइमिंग में देख लूंगा, क्योंकि 5 से मेरी क्लास शुरू है। तो अगर इनकेस उसमें स्ट्रेंथ पूरी नहीं होती, क्योंकि 10-11 लोग हो चुके हैं उसमें भी, तो अगर स्ट्रेंथ नहीं पूरी होती तो हम उसको 12 पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक बार वो कंसर्न कर ले लेंगे पहले सबका। तो ये हम इसका टाइमिंग जो है ना 4, 5, 6 तारीख का वो आपसे शेयर कर लेंगे कि कौन सा है। 4 का तो वही रात को 8:15 बजे रहेगा, तो आप लोग उस समय भी आके, जो जो लोग रह गए हैं, अपनी स्कैनिंग करा सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऑलरेडी स्कैनिंग करा चुके हैं तो थोड़ा सा आप सीरियस होइए अपने ऑरा के बारे में, जो है आपको पता लगता है कि हाँ भाई, जो भी कुछ पता लगता है तो उस पर एक्शन लीजिए, ताकि उसको, उस प्रॉब्लम को वहां से रिमूव करेंगे तो आप ही की लाइफ में ग्रोथ आएगी। अगर आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा तो आप ही की लाइफ में ग्रोथ आएगी और किसी के नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों को जो यहाँ आके बताता हूँ उसके पीछे रीजन भी यही होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप रिलेट कर पाओ अपनी लाइफ से। तो दर्शना जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? हेलो सर जी, मैं बीमार बहुत रहती हूँ। आप थोड़ा सा मुझे फेस फेस दिखाओ पूरा एक बार ढंग से। हाँ जी, और एक हमारे घर में लड़ाई बहुत ज्यादा रहती है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, वो आप नए नहीं हो, सबके घर में होती है, टेंशन मत लो, लड़ाई नहीं हो, ज्यादा लड़ाई होती है, प्यार भी होता है। हाँ जी, और बीमार बहुत रहती हूँ मैं। देखो आपका सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस तो है। हाँ जी, हाँ जी, आपने भी कुछ पहना हुआ है क्या, उंगलियों में या नहीं, कहीं पे? नहीं, नो सर, नहीं नहीं कुछ नहीं पहना। कान में क्या पहना है? कान में तो बाली सर, सोने की बाली है। इसमें डायमंड भी है? नहीं नहीं कुछ नहीं है।
सर इनके चक्रास में दिक्कत लग रही है, अनम्यूट किया मैंने। राजकुमार हाँ जी सर आपने चेक तो किया नहीं, आप तो आज लेके ही नहीं बैठे अपने औजार। मैं तो हाँ विष्णु राम से राम राम नहीं इसलिए नहीं किया जी। अब बता दे। जो अभी दर्शना जी को चेक किया है हाँ तो किसने जी किया चेक? अपना ब्लॉकेज है इनके, इनके चक्रास ब्लॉक है और हार्थ चक्र में ज्यादा ब्लॉकेज और इनके क्या बोलते हैं जियोपैथिक, तो है जियोपैथिक है इसमें। आपके घर में ना जियोपैथिक भी है और आपके चक्रास भी, इनका ऑरा सही लग रहा है। ओरा सही है। तो प्रॉब्लम जो है ना वो जियोपैथिक जो है ना उसका इलाज कराओ घर के अंदर। घर में सभी हाँ जी शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे, छोटी छोटी बातों पे एकदम से झगड़ा शुरू हो जाता है ना। हाँ जी हाँ घर जी घर में रहते हैं तो थके थके से रहते हैं, परेशान से रहते हैं, सोते हैं तो हाँ दिल जी करता सोते ही रह जाओ। कुछ लोगों को नींद में नींद टूटती होगी बार बार, और कुछ हाँ लोग जो जी सोते हैं उनको 10-12 घंटे भी सुला दो तो उनको लगता होगा कि अभी भी सोते रहे। जब घर से बाहर हाँ जी निकलते हाँ हैं जी तो सही लगता है, घर में आते ही फिर एकदम से एनर्जी लेवल डाउन। हाँ जी जियोपैथिक है आपके घर में? तो हाँ जी बीमार बहुत ज्यादा रहती हूँ मैं, बहुत ज्यादा। जियोपैथिक, जियोपैथिक के ऊपर अगर आप रहोगे, देखो मैं हाँ एक जी बात बताना चाहता हूँ। अभी एक मैम को मैंने चेक किया था शुरू में, तो मैंने उनको पूरी डिटेल नहीं दी थी, अब दे देता हूँ। जहां पे जियोपैथिक होगा वहां पे क्या होता है कि मैंने भी बताया था कि ह्यूमन ब्रेन और बॉडी जो है, जो हम जमीन पे रहते हैं ना अर्थ हाँ पे, तो 7.83 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। डी विजया जी, लक्ष्मी जी, आप सुन लीजिएगा, आपके घर भी है तो 7.83 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। और जहां पे जियोपैथिक होता है वहां हो सकता है वो हाँ 150 से 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो या उससे भी ज्यादा चली जाए। ठीक जी है, तो क्या होता है उसमें बॉडी का पैटर्न चेंज होता है, किसी का पल्स रेट बढ़ जाती है, किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी को शुगर प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बॉडी के जिस भी पार्ट को टच करेगी वो पार्ट डैमेज करेगी। अगर हाँ कंप्लीट जी बॉडी को टच कर रही है तो वो धीरे धीरे बीमारी ही देगी। हाँ जी तो आपके घर में जियोपैथिक का इलाज कराओ, जो आप बताते हो काफी आराम पड़ जाएगा लोगों को। जियोपैथिक का क्या इलाज है सर? हाँ उसकी स्कैनिंग होती है, तो आप उसमें घर की स्कैनिंग जी होती है पूरी, तो पूरी अच्छा जी स्कैनिंग करके वो लाइन को पहले ढूंढा जाता है आपके घर में कहाँ पर है, फिर उसको एक हाँ जी ट्रीटमेंट के थ्रू, उपाय के थ्रू उसको सील किया जाता है। जब वो सील हो जाती है तो वो एनर्जी घर में आना बंद हो जाती है, तो क्या होगा, घर के सभी मेंबर की जो फ्रिक्वेंसी है वो 7.83 पे आ जाएगी, तो ये कम से कम लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। नहीं, जैसे हमारे घर के दो टुकड़े हो गए सर, बेटा तो वो पापा की तरफ हो गया, बेटी मेरी तरफ हो गई है। ये क्या बेटा बात है, दादकों का बन गया, बेटा है ना, बेटा वो पापा की तरफ हो गया है, नहीं तो साथ में ही तो रहते बेटी होंगे आप मेरी लोग, तरफ है। आप लोग रहते तो साथ में ही होंगे। नहीं, पहले तो बोलचाल ही बंद हो गई थी हमारी। नहीं अच्छा नहीं जी, बोलचाल ही बंद हो गई थी आपस में। हाँ जी, और बेटा दादकों का बन गया है, और मैं कहता है तुम मेरी माँ नहीं है, चाची इन क्या वास्तु दोष भी है, का बन गया बेटा। इन समस्या क्या समझ नहीं आ जबरदस्त रही घर की। वास्तु। हाँ जी हाँ जी, बेटा दादकों का बन गया और चाची ताई बुआ का बन गया, कहता तुम मेरी माँ नहीं है। 15 साल का बच्चा है, 20 साल का। वास्तु वास्तु दोष है इनके यहाँ। दोष भी है इनके घर में, वास्तु दोष भी है। हाँ जी, साउथ बेटा साउथ वेस्ट साउथ डिस्टर्ब है इनके यहाँ। बेटा ननिहाल से नहीं बोलता। आपके घर तो जियोपैथिक है और वास्तु दोष भी दिख रहा है, तो आप उसकी ट्रीटमेंट कराओ, हाँ चीजें जी थोड़ी सी सॉल्व होंगी। आप अलग अलग रहते हैं, इकट्ठे घर पे रहते हैं? कट्ठे रहते हैं लेकिन बोलते नहीं है। कोई गलत नहीं, वो अगर जियोपैथिक का इलाज होगा तो चीजें आपके घर में पहले से बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी सर, ये एल रोड से जियोपैथिक स्ट्रेस भी देखा जा सकता है? बिल्कुल 100%, 100% ये सर आप जो रोड दे रहे हो ये कॉपर की है या ब्रास की है? ब्रास की है। तो ये अलग से अगर ले बिना कोर्स के तब भी मिल जाती है सर? हाँ मिल जाती है। ठीक है सर, मैं कल करती हूँ आपसे बात। जी बोलिए दिव्या जी, आप म्यूट हैं।
मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। अनम्यूट कीजिए डी विद्या जी, अनम्यूट कीजिए ओके ओके जी। सर, मेरा बाबू का लिए एक बार देखिए सर प्लीज, टेक अब कल टेस्ट। अपना 4 तारीख को करेंगे, अभी बिल्कुल अब तो टाइम ओवर हो गया है आप ना। मेरे नहीं नहीं अभी देखो नीलम जी ने भी एड्रेस कर रखे थे, अभी विजय विजय जी ने भी कर रखा है, अनुराधा जी ने भी कर सर, रखा हमने है। बहुत दिन से अब एड्रेस करता सर। मैं एक्चुअली मैं कर दूंगा, जी 4 तारीख को मैं कर दूंगा, मेरे सर, बहुत जो लोग रह गए हैं उनको 4 तारीख को कर दूंगा। सर अभी हम लोग के लिए थोड़ा कर दीजिए सर, बहुत एक्चुअली दिन से पता वेट क्या है, करता है सर, देखो बहुत आप दिन लोगों ने से हैंड्रेस ना बहुत लास्ट में जाके किए हैं, जो जो जैसे जैसे सर। हैंड्रेस किए थे मैं करता चला गया। सर मेरा बेटा है सर ये, प्लीज आप बोलने के बाद हम लोग शुरू कर दे सर रेस्ट करने के लिए। मैं कर दूंगा 4 तारीख को कर दूंगा, सर आज 2 तारीख है, 4 को कर दूंगा, 4 को दोबारा आ रहा हूँ मैं 7-8 बजे, कर दूंगा मैं चेक है ठीक है सर, ना। थैंक तो यू सर, थैंक यू, चलिए दोस्तों सभी ओके सर प्लीज सर। को राम राम, कर दूंगा मैम डी विजय जी 4 तारीख को मैं कर दूंगा, प्रॉमिस ओके है मैं कर दूंगा। विजय जी आपको भी कर दूंगा, जेठमानी सर, साहब। ओके सर आपका फोन सर, नंबर, मेरा फोन सर नंबर, आपका फोन नंबर। हाँ मेरा फोन नंबर है जी 9999482030, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो जो पोस्ट है उसमें 2 नंबर दे रखे हैं, नंबर ओके ओके, हाँ नाइन जी डबल 9482030। तो दोस्तों जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनका भी वेलकम है, बाकी आप लोग अगर इतना टाइम यहाँ लगाते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री राम। 4 तारीख को मिलते हैं। ओके राजकुमार जी, संजय जी, राम नमस्कार राम जी, राम राम। शादी आपको मिल गया कुरियर? भैया जी, शादी आपको कुरियर मिल गया? मिल गया, हाँ मिला सर, मिला मिला। ठीक है, अच्छी बात है। ओके मैं फोन करेगा, ठीक है। ओके सर, ओके, चलिए जी, राम राम।